स्टैंडर्ड एट एबीसी आज हम लोग क्रिएटिव डिजाइन करेंगे, उसमें आएगा लोटस, बटरफ्लाई, सन, ट्री, ट्री होगा और फिश। उसमें अलग अलग कलर से करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग होगा 25x20 सेंटीमीटर रेक्टेंगल, उसमें फिश, लोटस, बटरफ्लाई, ट्री एंड ले। तो ये ड्राइंग होगा, ड्राइंग होने के बाद वाटर कलर होगा, वाटर के बाद बॉर्डर लाइन करके पूरा कंप्लीट करने का। स्टैंडर्ड 8 एबीसी। ये बटरफ्लाई, लोटस, ट्री, फिश एंड सन, ये पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग कलर करेंगे। पहले सन में येलो कलर होगा, स्टैंडर्ड 8 सन में येलो कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज कलर से डेकोरेट करेंगे सन को। पहले से सिंपल कलर होगा, उसके बाद फिनिशिंग होगा, उसमें थोड़ा येलो मिक्स होगा। डेकोरेट बाद में होगा। ये फर्स्ट टर्न हो गया सन का, उसके बाद सेकंड टर्न बाद में करेंगे। तब तक हम बटरफ्लाई जो है, ये बटरफ्लाई को फिनिश करेंगे। बाद में डेकोरेट होगा। मल्टी कलर से होगा पूरा। पहले ऐसे ऑल पार्ट में फर्स्ट टोन लाइट लाइट कलर बनना, उसके बाद डार्क कलर होगा। ये ट्री है, ट्री में वन साइड डार्क कलर, वन साइड लाइट कलर होगा। थोड़ा मिक्स करने का, यहाँ से उसको एक साइड से मिक्स होगा, तो येलो लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन होगा। ये हो गया। यहाँ पे कोई दूसरा कलर लो, लाइट ग्रीन कलर लेके थोड़ा उसका पैटर्न कलर स्कीम चेंज होगी, उसने थोड़ा अलग से कलर किया, चेंज कलर हुआ। ये हो गया, उसको थोड़ा डिज़ाइन से करेंगे।
उसको फाइनली हो जाएगा बॉर्डर एंड करके ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच जो है उसमें येलो कलर लिया, थोड़ा ब्राउन ले, डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन, उसके बाद बॉर्डर से उसको फिनिश करें। ये हो गया फर्स्ट ट्री। यहाँ पे जो है वो ट्री में अलग अलग कलर से फिनिश करेंगे, लाइट डार्क से। यहाँ पे ट्री का लीफ जो है वो अलग शेड से कर रहा हूँ मैं। ये हो गया। उसके बाद येलो कलर लूँ, यहाँ से थोड़ा एक साइड है वो येलो कलर और एक साइड ब्राउन कलर मिक्स होगा, ये दोनों को मिक्स किया मल्टी। उसके बाद डार्क ग्रीन और ब्लू कलर मिक्स करके बॉर्डर लाइन होगी उसकी वन साइड। पूरा पिक्चर डेकोरेट करने का ये हो गया। वन साइड सेट को शेयर कर दूं, ये शेयर हो गया। उसमें डेकोरेट किया मैंने ये। उसके बाद उसके अंदर वाइट कलर से थोड़ा डेकोरेट कर लूँ लाइट लाइट। और डिज़ाइन में यहाँ से इसे डिज़ाइन की ये पूरा ट्री डेकोरेट हो गया। यहाँ भी बाकी है करने के लिए, यहाँ भी कर लूँगा बीच बीच में। ये हो गया। अभी लोटस जो है लोटस हम करेंगे पिंक कलर ब्लू लाइट एंड डार्क, एकदम लाइट एंड डार्क लोटस होगा। वन साइड से लाइट होगा, वन साइड से डार्क कलर होगा। पूरा वाइट से एक साइड से लोटस का शेड होगा। ये हो गया सेकंड, ऐसा डार्क लूं और एक साइड से वाइट कलर लेके स्प्रेड करूँ। ये सेकंड पार्ट हो गया लोटस का। थर्ड यहाँ से डार्क होगा, ये हुआ। उसके बाद वाइट लूँ स्प्रेड करूँ एक साइड से, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक दोनों होगा। वापस लूँ यहाँ से डार्क पिंक, उसके बाद वाइट कलर। आप धीरे से वाइट और उसको स्प्रेड करने का, तो पिंक
और लोटस का जो पार्ट है वो शेड में आ जाएगा, नीचे डार्क कलर होगा, पिंक कलर जो है वो डार्क कलर होगा नीचे, और ऊपर लाइट कलर होगा क्योंकि हाईलाइट आती है, तो ऊपर है पिंक पूरा लेकिन हाईलाइट शेड आते है तो ऊपर लाइट हो जाता है। ये हो गया लोटस का पार्ट, अभी उसमें डार्क टोन थोड़ा दूंगी। डार्क टोन से पूरा बना दूं, नीचे थोड़ा डार्क टोन होना चाहिए। एक शेड जैसा आएगा डार्क, ये हो गया अपना लोटस का शेड लाइट एंड डार्क, और मिक्स किया मैंने सब पार्ट कलर से और ब्रश लेके पानी से मिक्स किया क्योंकि लोटस का शेड होना ज़रूरी है। यहाँ पे उसकी ब्रांच आएगी, ब्रांच में भी येलो कलर पहले पूरे ब्रांच में कर लो। ये हो गया, उसके बाद लाइट ग्रीन कलर थोड़ा लो, उसके बाद डार्क ग्रीन कलर होगा बॉर्डर की जैसा डार्क ग्रीन, ये हुआ। यहाँ पे पिंक शेड बाकी है, ये डार्क होगा, अभी उसको भी मैं बॉर्डर कर लूँ। फिनिशिंग करने का मुझे आप स्केच पेन से भी बॉर्डर कर सकते और ब्रश से भी ले सकते। ये अपना लोटस फिनिश हो गया, लोटस पार्ट फिनिश हो गया, ट्री भी दोनों फिनिश हो गया। अभी अपना वाटर बाकी है एंड सन में थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेते हैं। अभी पहले
थोड़ा ऑरेंज ले लूँ, उसको स्प्रेड करूँ मिक्स करने का कलर। ये हो गया, उसके अंदर आईज नोज सब बाद में होगा, यहाँ पे डेकोरेट बटरफ्लाई कलरफुल। उसके बाद ब्लू कलर लू बॉर्डर, परफेक्ट फिनिशिंग करें। धीरे धीरे डेकोरेट कर रहा हूँ मैं बटरफ्लाई को। उसको बॉर्डर एंड कर लूँ। आइज ये बटरफ्लाई कंप्लीट हो गया। बटरफ्लाई कंप्लीट हो गया, ट्री भी कंप्लीट हो गया। अभी सन में थोड़ा डेकोरेट बाकी है, सन पूरा कर दूं मैं। ये अपना सन कंप्लीट हो गया, ट्री कंप्लीट हो गया, लोटस कंप्लीट हो गया। अभी फिश इन वाटर दो बाकी है। फिश में पहले फ्लैट कलर भर दिया मैंने, कोई भी कलर ले सकते फिश में, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिश में ग्रे कलर होना जरूरी है, आप मल्टी कलर से भी पूरा फिश कर सकते हो। अलग अलग कलर से आप फिश कर सकते मल्टी कलर।
ये फिश हो गई। अभी स्काई कलर से पूरा वाटर अब ये डेकोरेट हो रहा है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद थोड़ा ऊपर स्काई कलर करेंगे, मल्टी कलर से स्काई होगा थोड़ा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लेंगे। व्हाइट से मिक्स हो जाएगा स्काई कलर। ये अपना डेकोरेट कंप्लीट किया, फिर थोड़ा स्काई कलर तो हो गया एक साइड से डार्कनेस में। उसके बाद बॉर्डर लाइन होगी, मैं बॉर्डर लाइन कर लूं। डेकोरेट ड्राइंग हो गया, अभी बॉर्डर लाइन कर रहा हूं मैं। बॉर्डर अपने ऑन से भी कर सकते आप और स्केच पेन से भी कर सकते। थोड़ा बाहर निकलने का, थोड़ा बॉर्डर्स जो अपना 20x25 सेंटीमीटर रेक्टेंगल जो है उससे बाहर करके आप डबल लाइन ड्रॉ कर सकते। ऐसा डिजाइन बना दो साइड से। पूरा पेंटिंग ऐसे एक साइड से ऐसा डिजाइन बना दो। बॉर्डर बाकी है, स्टैंडर्ड 8 क्रिएटिव डिज़ाइन जो है वो अपनी हो गई है। लोटस, सन, बटरफ्लाई, ट्री, फिश एंड लेक कंप्लीट हो गया।
स्टैंडर्ड ए बी सी आप अपने ड्राइंग बुक में ड्राइंग ड्रॉ एंड वाटर कलर्स। ओके, थैंक यू।